देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ -1। पाकिस्तान की सियासत में ये अल्फाज कोई नया नहीं, पाकिस्तान में -1 की बातें अक्सर होती हैं, बल्कि ये कहा जाए हर सियासी जमात इस प्रोसेस से, इस मरहले से गुजरे बगैर सियासी जमात को मुस्तहकम नहीं कर पाती तो ये बात गलत ना होगी। माजी में बहुत सी ऐसी जमातें रही जहाँ पे -1 के फार्मूले की बात की गई, कहीं पर यह फार्मूला कामयाब हुआ और कहीं पर यह नाकाम साबित हुआ। आज एक बार फिर से -1 का तस्करा हो रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत उनके बानी के बगैर मुकम्मल हो सकेगी या नहीं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और वजूद है उनके बानी के बगैर? ये कहना यकीन तौर पर नामुमकिन सा नजर आता है, लेकिन इस वक्त की तमाम सूरत-ए-हाल कुछ ड्रामाई मोड इख्तियार कर रही है। हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ को जिस अंदाज से लोग छोड़ते हुए नजर आए, हालिया दिनों में जिस अंदाज से तहरीक इंसाफ से अलहदा हुए ना सिर्फ उनके मेंबर पार्लियामेंट बल्कि ऐसे बहुत से लोग जो टिकट होल्डर्स थे, उन्होंने जिस अंदाज से पार्टी को खैरबाद किया, उसके बाद अब यह बहस चल चुकी है कि क्या तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल कुछ और होगा, क्या तहरीक इंसाफ की सरबराही का ताज क्या किसी और के सर पर सज सकता है या नहीं। हालिया दिनों में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ते नजर आए तो इस बात का दावा करते दिखाई दिए कि वो अब सियासत से किनारा किसी इख्तियार कर लेंगे, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे उन्होंने सियासत में ना सिर्फ एंट्री की बल्कि अहम मुलाकातों के हवाले से भी जो इस वक्त खबरें गर्दिश करती नजर आ रही हैं। क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, सवाल से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब बैरिस्टर फारूक अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामला है आखिर किस करवट बैठेगा। फारूक साहब सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फारूक साहब, पहले तो आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि आज एक अदालती फैसला हुआ और उस अदालती फैसले के पेश नजर आपके जो कारकुन जेर हिरासत से उनके ऊपर जो कैदोबंद की सोहबतें थी वो अब रिलैक्स होती नजर आ रही, कैसा देख रहे हैं इस फैसले को आप? देखिए ये बड़ा खुशाइन फैसला है। इस पीडीएम के टोले ने जो हमारे कारकुनों पर और खास तौर पर औरतों पर जो इन्होंने मजालम उठाए हैं, इन ये तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो इन्होंने पुरम लोगों पर जिस तरह ये इनको नजरबंद कर रहे हैं, जो झूठे मुकदमात और जो मुख्तलिफ जेलों में जिस तरह भेजा जा रहा है और जो खवातीन के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इंसानी हकूक की तंजीमों को इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। ये पीडीएम का टोला जो साजिशी टोला है ये बिल्कुल ना वो आपके हमारे और हमारे अगर हो। फारूक अवान साहब, आपकी गल में लाइन में डिस्टॉर्शन है, अगर एक बार रीकनेक्ट कर सके हम फारूक अवान साहब को, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कुछ दिनों पहले तक एक ऐसी सियासी जमात समझी जाती थी जो कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर बड़े बड़े जलसे कर लिया करती थी, वो अपनी तमाम कारकुनों की मदद से कारकुनों की कुव्वत के बलबूते हुए सारे काम सर अंजाम देती थी। अब बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन मुल्क भर में गिरफ्तार हैं और ये गिरफ्तारियों के बाद तहरीक इंसाफ ने अब तक कोई बड़ा जलसा रैली एहतजाज नहीं किया, क्या हो रहा है इसके ऊपर फारूक साहब अगर आप गाइड कर सके? फारूक साहब हम कनेक्ट कर चुके हैं। जी फारूक साहब, आपको शर्मा रहते हैं ये जिस तरह इस पीडीएम के टोले ने हमारे कारकुनों को नजरबंद किया, जिस तरह इन्होंने गिरफ्तारियां की और जो हमारी खवातीन के साथ इन्होंने जेलों में नारवा सलूक किया और जिस तरह में पूरा मन औरतों पर जो इन्होंने मजारम डाए, तो ये तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। इन्होंने हमारे पूरा मन कारकुनों पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन हमारा कारकुन हमारी खवातीन जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ बिल्कुल डर के खड़ी है और हम इंशाल्लाह इनके मजालम का भरपूर तरीके से इनका सामना करेंगे और कर रहे हैं। और मैं इस मौके पर अदालत के इस फैसले को बड़ा खुशाइन करार देता हूँ। ये हमारे लिए आप खुशी की बात है कि हमारे जो कारकुन नाजायज तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं वो रहा हो जाएंगे और अपने घरों में वापस। ठीक, ये अच्छी बात है, कारकुनों की रिहाई हो जाएगी और उसमें बहुत से ऐसे कारकुन भी शामिल हैं जो शायद डिजर्व भी नहीं करते थे कि इस अंदाज से उनको गिरफ्तार किया जाता, लेकिन चले मामला ये बेहतरी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अब जरा दूसरी तरफ आते हैं फारूक साहब, ये जो मुलाकातें हुई हैं हालिया दिनों में, एक मामला तहरीक इंसाफ में हमेशा से देखते रहे कि तहरीक इंसाफ जब 2013 में जहांगीर तरीन साहब थे पार्टी में, शामुद कुरैशी साहब थे, तो ये दोनों के दरमियान हमेशा एक सर्द जंग नजर आती थी। आज भी ये माहौल कहीं ना कहीं बरकरार है और अब कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब को मिलाया जाए। फवाद चौधरी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो कि कल तक सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे, अब वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम पीडीएम को ओपन ग्राउंड नहीं दे सकते। उन्होंने खान साहब के बारे में कोई तस्करा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि हम पीडीएम को ओपन ग्राउंड नहीं दे सकते। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब से जो मुलाकात हुई है, क्या मामला चल रहे हैं, क्या होने जा रहा है आपकी जमात में?
देखिए इस्लाम अबू कुरैशी जो है वो एक नजरियाती आदमी है, अगर वो किसी भी पार्टी में रहा तो वो अपने नजरियात पर कायम रहा है। तो जब उसने खान साहब को ज्वाइन किया तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त उसके बारे में बड़ी रूमर थी, लेकिन उसके अमल ने साबित किया कि वो नजरियाती तौर पर इमरान खान के साथ है। जबकि तरीन नो डाउट उसने हमारी पार्टी के लिए बड़ा काम किया, लेकिन मैं समझता हूँ तरीन इतना ना नजरियाती था, उसके कोई खास मकासद हो सकते हैं जो अब जाहिर हो रहे हैं। और आपने जिस तरह फवाद चौधरी का नाम बताया तो अब वो अल्लाह ने कहे वो इमरान खान का नाम दे, खुद उसकी वो वीडियो कह रहा है, वीडियो में कह रहा है कि मैं तो काउंसिलर नहीं बन सकता अगर मेरे पास पीटीआई का वोट ना हो। तो मैं समझता हूँ कि जो ये लोग चाह रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से खान साहब को अकेला कर दें, तो वो क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान के बाद अगर कोई पार्टी को लीड कर सकता है, और इमरान खान ने भी ये कहा कि मेरे पास अगर कोई पार्टी चलाएगा तो शाम में वो कुरैशी साहब है, तो शाह महमूद कुरैशी है। क्योंकि शाह महमूद साहब आप देखते हो कि रूट्स हर जगह पे हैं, सिंध में रूट्स हैं, जुनूबी पंजाब में है, खानदानी आदमी है, उसके रवाबत हैं, सियासी तौर पर वो बड़ा मजबूत है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसके रबते हैं, क्योंकि वो पुराना एक आप कह लें पुराना सियासतदान है, बड़ा पॉजिटिव माइंड बंदा है, तो वो सारी चीजें समझता है करता है वो आप उसको एक। लेकिन फारूक साहब जरा ये बताइएगा ना कि अभी जो मुलाकातें हो रही है, मैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कहूँ कि अहम मुलाकातें हो रही है, जो भी तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहा है वो गालिबन जहांगीर तरीन साहब के साथ इन कॉन्टैक्ट में है या कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के लिए आगे चल के मुश्किलात तो खड़ी करेगा कि वो लोग जो कि कल को तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ते नजर आते थे, इलेक्शन जीतते हुए दिखाई देते थे, अगर एक बहुत बड़ी तादाद जहांगीर तरीन साहब के साथ हो जाती है तो कहीं वो अपनी पार्टी अनाउंस कर सकते हैं, वो कोई अपना सियासी मंशूर ला सकते हैं, वो तहरीक इंसाफ को डेंट तो कर सकता है। रमन साहब आप माशाल्लाह अच्छे सहाफी हैं, आपके अच्छे रबते हैं, देखिए तरीन साहब की कोई सियासी जदोजहद नहीं है नंबर वन, ना तरीन साहब का कोई ऐसा कैरियर है, उसका तो अपना हल्का नहीं है। और आप देखिए 2018 के जो इलेक्शन के बाद अब वाला जो इलेक्शन है इसमें लोगों की सोच तब्दील हो चुकी है, और मैं समझता हूँ ये तरीन के पास जितने भगोड़े आ रहे हैं जल्द अज जल्द जमा हो ताकि कौम इनके चेहरे अच्छी तरह शनाख्त कर सके। अब इनके पास वोट नहीं है, अब तरीन ग्रुप ये मत समझे कि उनके पास वोट हो गए, आगे तरीन के पास इमरान खान था, इमरान खान उसका दोस्त था, और लोग इमरान खान की वजह से, बल्कि मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, हम तरीन की फिक्र करते थे। अब आप ये कहें कि तरीन के पास की नजरिया है या तरीन, देखिए ये तो साफ नजर आ रहा है कि एक ग्रुप बन रहा है जी, वो ग्रुप एक बड़े बड़े लोगों का होगा, फिर वो हम जैसे लोगों के ऊपर हाथ रखेगा और वोट लेगा, फिर पाकिस्तान के ऊपर आके मसाइल पर काबिल हो जाएगा, इनकी सोच यही है। लेकिन मैं आपको बता दूं आप तरीन ग्रुप पर चलने वाला नहीं है। लेकिन फारूक साहब ये आपने बिल्कुल आपने सही निशानदेही कर दी, मुझे ये समझाएं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फवाद चौधरी साहब तो चले पार्टी में बड़ी ताखीर से वो पार्टी का हिस्सा बने, लेकिन इमरान इस्माइल साहब तो खान साहब के साथ काफी अरसे पुराना ताल्लुक है उनका, इमरान इस्माइल साहब का या आमिर कियानी साहब या इस तरह के नाम अगर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा बने या इनके हवाले से ये गुफ्तगू ही कर दी जाए तो मेरे ख्याल से तो एक बड़ा सवाल या निशान है। जी बिल्कुल, हमें इस बात का दुख भी है, मैं समझता हूँ इनसे 4 दिन की जेल भी नहीं भुगती गई, ऐसी कौन सी इनको क्यामत आ गई थी। जारी बात है मॉरली इनको कुछ ना कुछ डिस्टर्ब किया गया होगा, मैं नहीं समझता कि हर बंदा इस तरह इमरान खान के साथ खड़ा हो सकता है या खड़ा हो जाएगा। ये इन्होंने उर्दू में जो अच्छा नहीं किया, इन्होंने इमरान खान के साथ वफादारी नहीं निभाई, दगा किया, इमरान इस्माइल को मैटर पास बंदा, इमरान खान ने इसको गवर्नर बनाया, इतनी इज्जत दी, आमिर कियानी को ये पार्टी में इतनी उसकी शदीद मुखालफत के बावजूद उसको मिनिस्ट्री दी, और आप देखो उसके उसका वोट बैंक ही नहीं है, उसको खान ने टिकट दिया, वो MNA बना। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग फिर जब टाइम आता है तो जिस तरह इन्होंने बेवफाई की है तो तरीक इनको कभी नहीं भूलेगी। अच्छा ये जरा ये भी जरा ये बताइएगा कि कुछ दिनों पहले खान साहब बाकायदा तौर पे अनाउंस भी कर चुके थे कि मेरी गैर मौजूदगी में जो पार्टी है या पार्टी के जो मामलात हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब संभालेंगे, या ये कहा जाए कि खुद खान साहब ने अपनी मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना जानशीन करार दे दिया, तो ये जो सियासी जो खान साहब ने ये जो मूव किया है ये बड़ा टाइमली था इस लिहाज से कि आप शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी अगर कोई इस तरह का फैसला लेना है कि वो पार्टी से अलहदा होके खुद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं तो शायद उनके लिए तो बड़ा नुकसान होगा इसमें। देखिए शाह महमूद साहब एक बड़े अक्लमंद आदमी है, जहां तक इमरान खान का इस बयान का तलक है तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है ये, क्योंकि देखिये अल्लाह न करे इमरान खान साहब को लंबी उम्र दे, एक तो उनकी जान को सख्त खतरा है, सेकंड ये है कि उनको जिस तरह अफवाह चल रही है नजरबंद कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर दिया जाएगा,
तो कोई ना कोई तो वो अपनी जो उनकी टीम है उसका कोई हेड वो बनाकर अगर वो खुद अपने हाथों से जाएंगे तो हम कारकुनों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि हम उनको हमारी जो देनी आहंगी है उनके साथ अटैच हो जाए, क्योंकि हमारी हमारे लिए तहरीक इंसाफ वही है जो इमरान खान की है, जहां पर इमरान खान खड़ा है, जहां पर खान साहब नहीं है चाहे वहां पर जो मर्जी बंदा आकर खड़ा हो जाए, हमारा उससे कोई तलक नहीं है, वो तहरीक इंसाफ का एक वोट या हमदर्दी भी नहीं ले सकता। और ये जो भी तहरीक इंसाफ में जो नई एंट्री हुई है परवेज इलाही साहब की, परवेज इलाही साहब भी तो इस हवाले से ख्वाहिशमंद है कि पार्टी की जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द हो जाए और वो पार्टी के मामला चलाएं, और कहीं ना कहीं एक तबका है तहरीक इंसाफ में जो ये समझता है कि परवेज इलाही साहब को अगर क्यादत दे दी जाती है तो वो कदरे बेहतर मामला हैंडल कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके मामला ताल्लुक काफी बेहतर नजर आते हैं। देखिए हम सारी बातों को समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होना हर सियासी पार्टी के लिए जरूरी है, क्योंकि एक ही मुल्क में दो चीजें मुखालफ नहीं चल सकती। तो जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी तो पाकिस्तान है ना, तो अगर अगर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क अल्लाह ना करे कभी है, ये तो हमारे जो पीडीएम का टोला है इसकी ख्वाहिश है कि इनके दरमियान फर्क आए, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे इख्तलाफात एस्टेब्लिशमेंट के साथ हों। अगर कोई इसमें डिस्क आई हुई है किसी ना किसी जगह पे मतलब इख्तलाफात हो रहे हैं तो मैं शाह महमूद कैशी सामने भी इतनी अहलियत है कि वो इसको दूर कर सकते हैं। मैं नहीं समझता परवेज इलाही इस टाइप का सियासतदान है, वो एक जिला या सॉरी उसमें एक मिलगी उसको गुजार के आला तो वो ठीक है, लेकिन जब बात आती है मुल्क की सियासत की जहां पर इंटरनेशनल चीजें भी जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं, तो मेरा ख्याल है इमरान खान के बाद अगर इन चीजों को कोई मूव कर सकता है या देख सकता है तो वो हमारी पार्टी में शामिल। क्या ऐसा मुमकिन है फारूक अवान साहब, ऐसा कोई मुमकिन है कि खान साहब मौजूद हो, हयात हो, सेहतमंद हो, लेकिन पार्टी की क्यादत शाह महमूद कुरैशी साहब करें और खान साहब बाकायदा तौर पे अमली सियासत में उस वक्त हिस्सा ना लेते दिखाई दें, ऐसी मुमकिनात है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? साहब अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन देखें जिस तरह हालात जा रहे हैं, जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, मैं बताऊं खान साहब बड़े चीजों को समझने वाले और मोहब्बत वतन पाकिस्तानी है, उनको खुद से ज्यादा हमारे कौम की लोगों की फिक्र है, तो मेरी जबान इजाजत नहीं देती कि मैं ये बात करूं, लेकिन हो सकता है कि कोई जिस तरह ये लोग कर रहे हैं जो जिस तरह के लोग इकदाम कर रहे हैं तो खान साहब है वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी उनका जो कदम है हो सकता है, लेकिन मैं एक बार आपको ज्यादा बता दूं जो भी उनका कदम होगा वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे और खान साहब जो अनाउंसमेंट करेंगे वो पार्टी को कबूल होगा, पार्टी क्यादत को कारकुनों को कबूल होगा, जिसके सर पे खान साहब आशीर्वाद रखेंगे वही पार्टी का सरबरा होगा, हम उसको फॉलो करेंगे, उसी के साथ चलेंगे, हम खान साहब के साथ हैं इंशाल्लाह और इंशाल्लाह बिल्कुल रहेंगे। और फाइनल कमेंट ये दे दें कि इस वक्त ये जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में लोग नजर आ रहे हैं, ये कह दिया जाए कि एक अलग पार्टी बनने जा रही है, अगर कल को ये पार्टी बन जाती है तो आपको लगता है कि इसका कोई सियासी मुस्तकबिल होगा जहांगीर तरीन साहब की सरबराई में या परवेज इलाही साहब की सरबराई में? साहब आपने 6-7 माह पहले देखा इन्हीं पार्टी के लोगों ने इन्हीं की हुकूमत में जिन इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन लड़ा और हमने इनको हर हल्के में 30-40 हजार वोटों से हराया, तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन में खड़े हों ये तरीन भगोड़ा ग्रुप, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनका ग्रुप का अगर बंदा 3-4 हजार इनकी जमानत पे जब्त हो जाएंगे, इनको वोट डालने वाला कोई बंदा नहीं होगा इनके खिलाफ। और जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता, ये जो पार्टी क्यादत का या खान साहब के जो ताल्लुक आते हैं या तो वो बेहतर हो जाए, तब तक आपको लगता है कि इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं मुल्क में या इससे पहले इलेक्शंस होना उसका कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता? मेहमान साहब अगर आप एक मिनट दिए तो मैं जरूर बात कहना चाहता हूं, जैसे किसी भी मुल्क में सबसे जो अहम चीज होती है वो है एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ एक चीज होती है वो है अवाम की ताकत और अवाम का एतमाद। इस वक्त अगर कोई एतमाद है अवाम की ताकत है तो वो इमरान खान के पास है, और जो ताकत का मेजर है वो एस्टेब्लिशमेंट है, और जब भी कोई मुल्क एक तरक्की की तरफ चलता है तो ये दोनों चीजें मुखालफ में कभी नहीं आएंगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके प्रोग्राम में इस वसात से ये बात आज मैं आपको बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और बेहतरी के लिए एक पेज पर आएंगे, बिल्कुल एक पेज पर आएंगे, क्योंकि
हर आप सर्वे उठा ले 80% जो लोग हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नाम ले रहे हैं, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसकी क्यादत खान साहब कर रहे हैं वो पाकिस्तान तरीके वो कह रहे हैं एक पेपर होंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो लोग जो अभी पार्टी छोड़ के गए हैं अगर ये वापसी आना चाहते हैं या वो लोग जो इस वक्त किसी ना किसी सूरत में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या क्यादत की तब्दीली के ख्वाहिशमंद है अगर वो पार्टी में कल को वापस आना चाहे तो पार्टी उनको कबूल कर लेगी। जैसे ये खान साहब के पास इसके फैसले का जो होगा वो इख्तियार उनके पास होगा कि वो इसको किस तरह लेते हैं, जिसने जिस तरह गद्दारी की होगी या जो कोई मुश्किल आई होगी खान साहब इस बारे में बेहतर फैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अवान साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाया इस वक्त हमें बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अंदरूनी कहानी क्या है। इस वक्त पाकिस्तान में जहां पे इलेक्शंस की बात की जा रही है बजट की बात, फौरी तौर पर जो अगला महाज होगा हुकूमत के लिए वो होगा इलेक्शंस की तैयारी और हुकूमत के पास जो वक्त है वो बहुत महदूद रह गया है। एज पर लॉ पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसका टेन्योर अगस्त में मुकम्मल हो जाएगा और अगस्त की इब्तिदा में जब ये मामलात मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर इलेक्शंस की बात होगी, एक निगरान सेटअप की बात होगी और इलेक्शंस की जब बात होगी तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर करके इलेक्शंस कराना ये मुमकिन हो ये नजर नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराही क्या ये तब्दील होगी या नहीं और अगर ये सरबराही तब्दील होती है तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन किसी भी तौर पर इसको कबूल कर सकेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रह सकेगा या ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि खान साहब को या किसी भी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में -1 का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जरा तस्करा होता कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मामला चल रहे हैं इस वक्त ऐसा नजर आता है कि हुकूमत एक साइड पे खड़ी है और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट दूसरे सिरे पे। हुकूमत की जानिब से कुछ आईनी तरामीम की गई और इसके बाद ये जब तरामीम के हवाले से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये तमाम तर मामला धरे का धरा रह गया। सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो तब्दीलियां की गई उसे ऐसा महसूस किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में क्या कोई इंटरवेंशन हुई, क्या पार्लियामेंट ने ऐसा कोई बिल पास कर दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के अपनी रूल बुक के मुतसादिम है। इस हवाले से यकीनी तौर पे अभी भी बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट जनाब नासिर अजीम साहब। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम सर। नासिर साहब ये जो सूरत हाल बनी है जो हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि दो या तीन फैसले भी हालिया दिनों में ऐसे हुए हैं कि हुकूमत की जानिब से वो फैसले किए जाते थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर मामला चैलेंज हो जाता था, तो ये क्या मामला चल रहे हैं, क्या हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट किसी भी तौर पर एक पेज पे नजर नहीं आ रहे हमें? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 है इसके हवाले से 2017 टू अपडेट जो है मामला, लेकिन अब 2023 में जो बिल आए थे कौमी असेंबली में जितने भी पार्लियामान है तो उस हवाले से आज के रिमार्क से एक बात तो वाजे होगी कि जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पेश हुए कोर्ट में तो वहां पर ये बात की गई कि जो आपको मालूम होगा कि एक और साथ एक बिल इन्होंने पास करवाया जिसे सदर आरिफ अलवी ने साइन भी कर दिए हैं और वो रिव्यू के हवाले से है, तो उस हवाले से कुछ शिक की जिक्र हुआ कि उसमें और इस जो प्रैक्टिस बिल है इसके कुछ शिक जो है वो कैलन मुमासलत रखती हैं। उस हवाले से डिस्कशन में आई बात तो फिर कहा गया कि इस पे जो है ना दोबारा इस पे नजरसानी करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो जो हतमी प्रोसीडिंग का एंड हुआ है वो तो ये हुआ है कि एक हफ्ते की एडजर्नमेंट आई, लेकिन जो रिमार्क्स थे काबिले गौर वो ये थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स आए वो उसमें ये बात की गई कि
असेंबली को चाहिए कि इस जो भी कानून पास करते हैं उसको जरा गौर फिक्र किया करें, और अगर इसी तरह पास करते रहे तो फिर ठीक है, आप कानून पास करते रहे और हम यहाँ पर केसेस सुनते रहेंगे। तो नासिर साहब, ये बड़े सख्त रिमार्क्स हैं, इन रिमार्क्स से तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए। देखिए, इसमें एक खास बात यह है कि आर्टिकल 191 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जी, उस पर बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना खुद भी उसमें मे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और खुद भी जो है ना अपने रूल्स बना सकता है, जबकि पार्लियामेंट भी कानून बनाते हैं और कानून साजी करते हैं। तो इस हवाले से इख्तियारात दोनों के पास मौजूद हैं, दोनों इदारों के पास मौजूद हैं। और जो रिमार्क्स ड्यूरिंग रिमार्क्स के दौरान आर्गुमेंट्स की बात हो रही थी, तो अटॉर्नी जनरल साहब जब बात कर रहे थे तो ये बात बड़ी अहम वहां पर हुई, और जो डिस्कशन में भी आई, जो आपके मीडिया टिकट चले ब्रेकिंग का हिस्सा बनी, तो जो बात थी कि आपसे भी हम मशवरा करके हम चाहते हैं कि हम डिस्कस करके इसको जो है ना दोबारा पाया तकमील तक पहुंचाएं, जो प्रोसीजर प्रैक्टिस बिल के हवाले से जो बात हुई है स्पेशली, क्योंकि जो दूसरा बिल है रिवीजन के हवाले से या रिव्यू के हवाले से, वो तो आपको पता है कि सदर आरएफ अलवी के साइन होने के बाद वो तो पास हो चुका है और वो अपनी उसकी शक्ल आ गई है, लेकिन इसके हवाले से ये फिर भी कहा गया कि हम आपसे डिस्कस करेंगे, और उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी आर्टिकल 191 के तहत प्रॉपर उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने रूल्स में पास दी रूल्स एंड मेक दी रूल्स जो है ना उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है नासिर साहब, अगर अब तक मुशावरत नहीं की गई हुकूमत की जानिब से तो कोई वजह रही होगी, कोई ऐसी चीज है जो हुकूमत नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे या सुप्रीम कोर्ट के मामलात उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी तौर पर उसमें इंटरवीन करे, ऐसी कोई चीज है इसमें? अच्छा, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि पार्लियामान तमाम सियासी लोग हैं जो लगे हुए हैं कवानीन बनाने पे, और मुख्तलिफ कवानीन आज से पहले भी आपको याद होगा नैब के हवाले से भी पास कर चुके हैं, मुख्तलिफ कवानीन जो उनके फेवर में बात आती है वो पास की है उन्होंने। उसके अलावा ये खासतौर पर रिलेटेड जो प्रैक्टिस बिल के हवाले से बात है ना, ये चैप्टर 5 का है, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है, और कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से इन्होंने बाकी मामला वजह करने की कोशिश की कि जो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का तरीकाकार है उसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। तो बेसिकली ये चाहते ये हैं, जो जितने भी पार्लियामान हैं या सियासतदान है, वो ये चाहते हैं कि जो पहले फिल्फ और सो मोटो लिया जाता था शायद उसमें थोड़ा सा रद्द बदल करके, ताकि इनको शायद रिलीफ आगे फ्यूचर में मिल सके, बेसिकली इनकी प्लानिंग ये है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड बात करता चलूं, जो फ्लॉ पैदा हुआ और जो स्पेस पैदा हुई जब ऑपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, तो वहां से आपको याद होगा कि जब वो असेंबली से निकल गए थे जी, इनको पूरी एक पिच क्लियर मिल गई और इनको स्पेस मिल गई, जब मुख्तलिफ मेंबरान मुख्तलिफ पार्टीज के बैठे होते और तो इतनी जल्दी ये कोई भी बिल पास नहीं कर सकते थे और कोई भी कानून पास नहीं करवा सकते थे, और ऑपोजिशन जो जेन्युइन ऑपोजिशन होती है फिर वो ये बातें उठाती हैं कि कानून कहता है कि देखें आर्टिकल 191 में जो मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने रूल्स बना सकती है, तो अगर ये ऑपोजिशन जेन्युइन बैठी होती तो वो इस बात को उजागर करती, उठाती, रिजिस्ट करती। तो अच्छा, ये जो नासिर साहब आपने एक और बड़ी बात की कि जो सू मोटो के जो मामलात होते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जब सू मोटो किया जाता है और उस पर जब कोई फैसला आता है, अभी हुकूमत ने एक तब्दीली ये भी तो की है कि जब सू मोटो केसेस की जो जो समात है, जो उसके ऊपर एक अपील का हक दिया जाता है, उसमें भी एक तब्दीली की गई है, उस तब्दीली का भी इस हवाले से कोई असर पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर ये जो प्रैक्टिस बिल अभी जो हुकूमत ने पास करवाने की कोशिश की और जो जो बिल मंजर आम पर आया, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो पहले सो मोटो का तरीका होता था कि फिल्म फोर ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान सो मोटो लेते थे, तो अब थोड़ा सा इन्होंने रद्द बदल की है कि कुछ से सात मेंबरान ऐड होंगे कम से कम, और जो माजी में जो जिन केसेस के ऊपर फैसला दिया जा चुका है उनके ऊपर जो अपील का मामला है वो देखिए, जो जो कानून की जो एक तो मैं आपको एक एक इजी मिसाल दे दूं कि हमेशा जो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और कुछ लॉ के हवाले से बात होती है तो कॉमन सेंस यूज की जाती है और कॉमन सेंस कहलाती है। अब जो आज से पहले के फैसले होते हैं और एक नया कानून बन जाता है, तो जो नया कानून जिस दिन बनता है अगर वो मामला इन प्रोसीडिंग हो
तो फिर तो कानून उस पर लागू होता है। लेकिन अगर मामला डिक्री हो चुका है, मामला खत्म हो चुका है, मामला हिस्ट्री बन चुका है, तो फिर मैं समझता हूँ वो उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता। मास वाय अगर कोई कानून रिव्यू पे आता है, कोई अपील पे आता है, कोई रिविजन पे आता है, तो फिर उसको अवेल किया जा सकता। तो मैं टेक्निकली मैं अगर टेक्निकली क्लियरली पूछ लूं कि इसमें अगर तब्दीली हो जाती है और सुमोटो केसेस के नतीजे में जो फैसले दिए जाते हैं उसके ऊपर अपील के हवाले से एक तरमीम हो जाती है और ये आइन का हिस्सा बन जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर गोथ्रू कर देता है, तो फिर क्या ये समझा जा रहा है कि इसके नतीजे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन साहब इनके जो केसेज जो माजी में हुए थे जिसमें वो नाअहली का सामना कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई नजरसानी हो सकेगी? बिल्कुल, वो देखना जो कवानीन इन्होंने एक नजरसानी अपील के हवाले से जो डिस्कशन में आई, एक का शिक 4 है और एक की जो शिक 6 है प्रैक्टिस बिल की, तो ये आपस में वो जो आज भी डिस्कशन में बात है कि मसलत रखती है उसके हवाले से हम जो है ना दोबारा डिस्कशन में जाना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से देखें तो हुकूमत का तो एजेंडा बड़ा क्लियर है कि वो चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए कोई ऐसी कानूनी तरामीम की जाए जहां पर उनकी वापसी की रामवार हो सके। अगर यहां पे एक डिबेट का पॉइंट होता है तो फिर आपको लगता है हुकूमत के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा? देखिए, अगर अगर तो एक्सेप्ट कर ली जाती है हर बात और इसी तरह बिल पास हो जाते हैं और ये मामला इसी तरह आगे चलता है तो मुशावरत के साथ इदारों का, तो फिर अगर तो पास हो जाता है तो फिर मियां नवाज शरीफ को भी इसमें फायदा मिल सकता है और जहांगीर खान तरीन साहब को भी इसमें फायदा मिल सकता है और मिलेगा भी, क्योंकि कवानीन की जो कवानीन जो ये जिस तरीके से चाह रहे हैं अगर उसी अंदाज से होते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं और एग्जीक्यूशन की जानिब जाते हैं, तो फिर बिल्कुल इन दोनों को फायदा होगा। और बेसिकली जो कवानीन ये दोनों बनाए जा रहे हैं ये इन 2-3 अफराद के लिए बनाए जा रहे हैं अगर आप देखें, क्योंकि सारे कवानीन तो अपनी फेवर की हुकूमत पाकिस्तान बना चुकी है, लास्ट में ये 2-3 चीजें रह गई थी जो उनकी करने वाली थी, क्योंकि आपको पता है हुकूमत का एंड होता जा रहा है, तो वो ये जो टेक्निकली अब वो जो चल रहे हैं जो कानून पास करवाना चाह रहे हैं बिल्कुल फेवर दे रहे हैं, मियां नवाज शरीफ को भी देंगे। तो अब तक की जो समाप्त हुई है नासिर साहब, अब तक आप जो समाप्त हुई और जो सुप्रीम कोर्ट बार का भी जिसमें रिएक्शन आया है और जो सीनियर वकला का भी जो रिएक्शन आया, आपको लगता है कि हुकूमत इस तरमीम को पास करने में कामयाब हो जाएगी या हुकूमत जो चाह रही है वो मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकेगी? देखिए, जो आपने कहा ना कि कुछ एसोसिएशंस की तरफ से रिएक्शन आया है, उन्होंने तो कानून के मुताबिक कोर्ट्स में जाके बात करनी होगी, कोर्ट्स में अपेयर होकर बात करनी होगी या पार्टी बनेंगे या वहां पे बात करेंगे। जहां तक बात पार्लियामान की है, पार्लियामेंटेरियंस की है या पार्लियामेंट के अंदर की है, अगर वहां पे कोई कानून साजी होती है और थ्रू वायर प्रोसीजर जाती है सेनेट टू प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और साइनिंग अथॉरिटी प्रेजिडेंट पाकिस्तान आखिर में, तो फिर अगर इस तरीके से चलता है और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला इनकी फेवर में आ जाता है तो फिर तो दरमियान में कोई भी तीसरा शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने वक्त दिया और जो कानूनी पहलू है उससे हमें और हमारे नाज़रीन को उजागर किया और यकीन तौर पे ये जो इस वक्त कानूनी मामला है, कानूनी बहस है, इसका आम आदमी से कहीं भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आम आदमी को ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये जो पार्लियामेंट में मौजूदा हुकूमत या हुकूमती अराकीन या अपोजिशन बेंचेस पर जो लोग बैठे हैं, जो आवाम के वोटों से इन ऐवानों तक पहुँचते हैं, आखिर उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद होना तो ये चाहिए कि अवामी मसाइल और अवामी मसाइल के हल को उजागर करने के लिए कुछ ऐसी बहस जाए, कोई ऐसी सहर हासिल गुफ्तगू की जाए, कोई ऐसी कानून साजी की जाए जो एक आम आवाम के लिए काफी ज्यादा रिलीफ का बाइस बन सके। लेकिन हो यह रहा है कि जिस अंदाज से तरामीम की जा रही हैं, जिस अंदाज से चेंजेस की जा रही हैं, उनको देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त जो अपेरेंटली जो फायदा है या तो हुकूमती जमात को है या तो इनके अपने लोग हैं उनको ये फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सियासी तौर पे यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए एक बड़ा एडवांटेज होगा, लेकिन आवाम के लिए इसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता ये तो मुश्किल फिलहाल नजर आता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपने मेजबान को इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।